सो हेलो गाइस, आज हम लोग इस क्रॉसर CV6500 पावर सप्लाई का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और साथ में देखने वाले हैं हम लोग को कैसा कैसा इसमें केबल मिलता है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफाइड भी आप लोगों को मिल रहा है। सो बहुत ही एक बेहतरीन पावर सप्लाई आप लोग बोल सकते हो, SMPS बोल सकते हो। सो ये एक ऐसा PSU है ना जहाँ पे आप लोग अगर 30, 60 Ti, Vi जो भी बड़े बड़े ग्राफिक्स कार्ड है वो अगर लगाना चाहते हो तो लगा पाओगे। मतलब एक अल्टीमेट पावर सप्लाई है जो आपके पावर्स के नीड को, आपके PC के पावर्स के नीड को सबको कंप्लीट करता है। तो इसकी हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम लोग इसके बैक साइड में देख लेते हैं हम लोग को क्या क्या डिटेल्स में मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ भी उतना ज़्यादा लिखा हुआ तो नहीं है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे दूसरे दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे 80 प्लस ब्रॉन्ज सर्टिफाइड लिखा हुआ है, 120 mm फैन टर्न लो नॉइज ऑपरेशन ये सब लिखा हुआ है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे है, यहाँ पे नॉइज लेवल की बारे में बात की गई है, ये सब डिटेल्स में है। और यहाँ पे अगर आप लोग करीब से देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है, आप लोग कितना कितना वोल्ट DC वोल्ट आप लोगों को मिलता है। उसके अलावा अगर हम लोग इस साइड में देखें तो यहाँ पे पावर टू प्ले लिखा हुआ है। इस साइड में आप लोगों को यहाँ पे कुछ केबल्स के डिटेल्स दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ केबल्स के डिटेल्स दिए गए हैं जहाँ पे लिखा हुआ है एक 24 पिन का ATX पिन है, एक ESP ATX 12 वोल्ट का 8 पिन है जो कि आपके CPU को पावर देता है। उसके साथ एक 8 पिन आप लोगों को मिलता है 4x4 का, ठीक है 6x2 का ये मिल रहा है। और यहाँ पे साटा पिन आप लोगों को मिल जाते हैं यहाँ पे, और उसके साथ दो आप लोगों को साटा 3 पिन भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये वाला साटा पाटा पाटा DFSD ये मोलेक्स पिन होगा, ये मुझे इतना ही लग रहा है। सो ठीक है, सो इसको हम लोग जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसे कि मैंने इसका रैप हटा लिया है तो जल्दी से इसको ओपन कर लेता हूँ। सो इस तरफ से ये ओपन होता है, ये बिल है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो इसको हटा दो, ठीक है। तो उसके अलावा हम लोग इसको ओपन करते हैं तो पहली बार आप लोग देखते हो इसका पावर कॉर्ड। सो ये हम लोग के इंडियन में ही मिलता है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे पावर सप्लाई में देखा गया है कि आप लोगों को दूसरे जगह वो पतला वाला पिन आता है ना, उसके लिए अलग से फिर आप लोगों को अडाप्टर लगता है, वो अडाप्टर लगा के आप लोगों को ये लगाना पड़ता है, वो वाला सीन है। सो ये आप लोगों को मिलता है इसका पावर केबल। उसके साथ आप लोगों को यहाँ पे कुछ 4 स्क्रू मिल रहे हैं जो कि आपके कैबिनेट के साथ आप लोगों को अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में आप लोगों को ये SMPS मिलता है। वेट बहुत ही अच्छा वेट है इसका, भारी है मतलब। सो बॉक्स को हम लोग हटा देते हैं। सो ये आप लोग देख सकते हो SMPS PSU Corsair का CV650। तो बहुत ही अच्छा एक पावर सप्लाई है। यहाँ पे कुछ पावर के डिटेल्स दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो, थोड़ा गौर से यहाँ पे कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पावर के डिटेल्स दिए गए हैं, साथ में आप लोगों को पीछे यहाँ पे इसका पिन और यहाँ पे बटन इसका मिल रहे हैं, अंदर कुछ शॉकेज भी दिख रहा है, आप लोग देख लो, ठीक है। सो ये है, अब इसके पिन के बारे में मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो ब्लैक फ्लैट केबल के साथ आता है, आप लोग देख रहे हो। तो ये है इसके वायर्स, और आप लोग देख सकते हो बहुत ही बड़े बड़े वायर्स दिए गए हैं, जहाँ पे आप लोग अगर गेमिंग कैबिनेट या कुछ भी बनाना चाहते हो तो वहाँ पे आप लोगों को वायर की कमी नहीं आएगी। बहुत ही बड़ा है, आप लोग ये देख सकते हो 24 पिन वाला ये वाला रहा, उसके साथ आप लोगों को ये 8 पिन वाला हो गया, ये और एक 8 पिन आप लोगों को मिल रहा है CPU के लिए, ठीक है। दो 8 पिन आप लोगों के लिए हो गए, यहाँ पे PCIe के लिए आप लोगों को 2 पिन मिल रहे हैं, ठीक है। उसके साथ आप लोगों को यहाँ पे मोलेक्स पिन मिल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो पिन आप लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को साटा हार्ड डिस्क जो भी हार्ड ड्राइव्स रहे उन लोगों के लिए ये पिन मिल रहे हैं, इसको ही मोलेक्स बोलते हैं शायद। सो वो है, और यहाँ पे भी आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो मतलब आपको कोई किसी भी तरीके से पावर की कमी तो कभी होने नहीं वाली है, ऐसा कुछ ये वाला आप लोगों को पावर सप्लाई दिया जा रहा है। अभी इसका ऑनलाइन प्राइस 4,500 रुपये के करीब है, ठीक है। अगर मैं नीचे आप लोगों को लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, शायद आपको अच्छा डील मिल जाए, ठीक है। तो लिंक आप लोगों का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे जाके आप लोग परचेस करना चाहते हो तो इसे परचेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छा पावर सप्लाई है, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया था पावर सप्लाई के ऊपर कौन सा मेरे PC के लिए अच्छा होगा, तो वहाँ से जाके मुझे ये वाला पसंद आया। इसका 600 वाट वाला भी बहुत ही अच्छा है,
और ये वाला तो और भी ज्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोगों को अगर फ्यूचर में कोई पीसी अपग्रेड करना चाहते हो तो तभी भी आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो कंसिडर कर रहा हूँ, अगर बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत ही अच्छा पावर सप्लाई है अगर आपके बजट में आया। तो अगर आप लोग ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाजू में बेल वाला आइकन दबाओ और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना अगर अच्छा लगे तो आप लोगों को। सो मिलता हूँ फिर से और एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे आप लोग दूसरे वीडियो चेकआउट कर सकते हो जो कि आप लोगों को एंड स्क्रीन में अभी देखने मिल जाएगा। सो मिलता हूँ फिर से और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Thank you.